yeah, finally we are at French dobara. Okay, so this is the entrance. बहुत मजेदार किस्म की एंट्रेंस है, बहुत अच्छे तरीके से ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है. कलर्स बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है. जैसे ही आप आते हो, एक तो हिल स्टेशन है ऊपर से, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी कूल, और आपको अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार एक अच्छा वर्थ ट्रिप होने वाला है. ओके, लेट्स गो. तो हमारा सफर शुरू हुआ था विंड हिल प्रॉपर्टी से, जो गेंटिंग हाईलैंड में है, और उधर से हमने मूव करा था फ्रेंच विलेज में. तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 35-40 मिनट्स ड्राइव, लेकिन हिल्स की ड्राइव है तो सम टाइम आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बट इतना अरसा लग जाता है. और फ्रेंच विलेज में एंटर होने की कोई फीस नहीं है, बट जैसे ही आप बुकिट थिंगी में ऐड होते हो तो आपको एक टूल टैक्स पे करना पड़ता है. एंट्रेंस बहुत ही मज़े की है, और जैसे कि आप एंटर होते हो तो आपको साइड पे ही एटीएम की मशीन मिल जाती है. इन केस अगर आपको कैश निकलवाना है तो आप इधर से निकलवा सकते हो. और उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको एक फोटोग्राफर की शॉप मिलेगी, जो पेट्स के साथ, पैरेट पेट्स के साथ आप पिक्चर्स खिंचवा सकते हो उस जगह पर जाकर. जैसे ही आप विलेज में एंटर होते हो तो आपको 5 मेजर अट्रैक्शंस मिलती हैं. फर्स्ट वन इज फ्रेंच आर्किटेक्चर. जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने फ्रेंच पूरे आर्किटेक्चर को इस जगह पे इंडल्ज किया है, और आपको एक पूरी वाइब आती है, पूरी फील आती है जैसे ही आप इस जगह पे एंटर होते हो. द सेकेंड वन इज इधर बहुत डिज़ाइंड शॉप्स हैं, जिसमें आपको फ्रेंच रिलेटेड फैशन की चीज़ें या सोवेनियर्स मिलते हैं जो आप खरीद सकते हो. थर्ड वन इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप इधर आएंगे तो आपने इधर वो वाले रेस्टोरेंट्स चूज करने हैं जिधर आपको फ्रेंच कुजींस मिलती हैं. सो आप बहुत मज़े मज़े के खाने इधर आकर टेस्ट कर सकते हो और खा सकते हो. एंड द फोर्थ वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द क्लॉक टावर. सो बेसिकली ये आइडिया ये है कि जो यूजली ओरिजिनल फ्रेंच विलेजेस हैं फ्रेंच फ्रांस के अंदर, उनके अंदर भी ये आइकॉनिक क्लॉक टावर्स लगे होते हैं, एंड दिस इज़ द सेम रिजम्बलेंस. और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, और आप जब आते हो तो एक पूरी फील आती है उस चीज़ की. और द फिफ्थ वन इज़ द कॉलमार स्क्वेयर. ये बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े की जगह है, जहाँ आप बैठ कर पूरी साइट सीनिंग कर सकते हो, पूरे एनवायरनमेंट को फील कर सकते हो, और एक अच्छा टाइम इधर स्पेंड कर सकते हो. ज्यादा वॉक और ये डायरेक्ट उसके बाद कॉफी मशीन. ओके जी, जो साइट सीनिंग करनी है आपने फ्रेंच विलेज से, वो आप मुझे डाउनस्टेयर्स जाओ, इसके सामने आपको बहुत प्यारा से एक व्यू मिलेगा. दिस इज राइट नेक्स्ट टू सेवन कैफे. सेवन कैफे के बिल्कुल साथ डाउनस्टेयर्स जा रही है, जिधर आप जा रही है भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, एंड आई जस्ट लव्ड इट. So this is basically the end of the video. मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी. मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें. थैंक यू.